लोकसभा चुनाव से एन पहले कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का लगभग तय कर लिया और वो सोमवार को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के इस एक फैसले ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही वो आज दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इन खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन सियासी तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये खबर आ रही है कि कमलनाथ और नकुलनाथ ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई विधायक और दिग्गज नेता भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। उन्होंने 28 विधायकों के भाजपा का दामन थाम लिया था। सिंधिया के भाजपा में जाते ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी और फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ का ये जख्म बहुत पुराना है। इसके लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब सिंधिया ने कांग्रेस को झटका दिया था। बताया जाता है कि राहुल गांधी सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह कमलनाथ को ही मानते हैं और इसी की वजह से ही विधानसभा चुनाव 2023 में राहुल गांधी खेमे के माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया था। अंदर खाने की खबरों की माने तो चुनाव के दौरान भी सुरजेवाला और कमलनाथ के बीच कई बार टकराव वाली स्थिति बन जाती थी। खबरों की माने तो कमलनाथ अपने पूरे कुनबे के साथ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 10 विधायक, 2 महापौर छिंदवाड़ा और मुरैना के महापौर और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष छिंदवाड़ा के भाजपा का दामन थाम सकते हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े झटके से कांग्रेस पार्टी कैसे उभर पाती है। और इसके साथ ही के मिश्रा ने भी बड़े संकेत दे दिए हैं। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच नकुलनाथ ने अपने बायो से कांग्रेस हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने भी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। उन्होंने लंबे समय बाद अपनी प्रोफाइल फोटो से कमलनाथ की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगाई है। अब एक कारण ये भी है कि कमलनाथ को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है, ऐसा कमलनाथ को हमेशा से लगता आया है। अब ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव 2023 में मिली हार की जिम्मेदारी ली, बावजूद इसके उन्हें पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया और जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। कमलनाथ को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखेगी। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने उमंग सिंघार पर भरोसा जताया, यानी करीब एक महीने के भीतर पूर्व सीएम कमलनाथ की उम्मीदों को दूसरी बार झटका लगा था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि तीसरी बार कमलनाथ की उम्मीदों पर पानी कब फिर गया। तो अब बारी आई राज्यसभा चुनाव की, तो यहाँ भी कमलनाथ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमलनाथ चाहते थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कमलनाथ पर भरोसा जताने के बजाय अशोक सिंह को राज्यसभा भेजना उचित समझा और उनके नाम पर मुहर लगा दी। कमलनाथ की नाराजगी यहाँ खुलकर सामने आई और उन्होंने अशोक सिंह के नामांकन में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलनाथ बहुत पहले से ही कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और इस खबर पर पूरी तरीके से अभी तक मुहर नहीं लगी है, लेकिन अटकलों का बाजार बहुत ज़्यादा तेज है और ये खबरें पल पल बदल रही हैं और इन अटकलों के करीब पहुंचते जा रही हैं। तो कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।